नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। खबर का असर। यातायात विभाग तथा नगर पालिका द्वारा सीमेंट रोड पर किए गए अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्यवाही, सामान जब्त किया तथा चालानी कार्यवाही की गई। खबर मध्य प्रदेश के जिले बैतूल से है। शहर के सीमेंट रोड कोठी बाजार के व्यापारियों ने यातायात की कमर तोड़ दी। एक तरफ बैतूल का प्रसिद्ध बाजार, जहां पूरे जिले से लोग खरीदी करने आते हैं, परंतु उन्हें सीमेंट रोड पर खरीदारी करने हेतु आने जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और तो व्यापारियों ने बड़े बड़े मॉल बनाए, परंतु पार्किंग स्थल बनाना ही भूल गए, जिसके चलते बाजार में बड़ी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है तथा सीमेंट रोड के व्यापारियों द्वारा रोड पर सामान जमा कर आवागमन अवरुद्ध किया हुआ है। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से अनेकों बार खबर प्रकाशित की गई, जिसके फलस्वरूप आज यातायात विभाग एवं नगर पालिका द्वारा सीमेंट रोड पर अतिक्रमण के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए व्यापारियों का रोड पर जमा सामान नगर पालिका द्वारा जब्त किया गया तथा यातायात विभाग द्वारा चालानी कार्यवाही की गई तथा व्यापारियों को समझाइश दी गई कि वह अपने दुकान का सामान सड़क पर ना जावे तथा दुकान का सामान सड़क पर ना जावा में अन्यथा अगली बार उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लल्ली चौक से लेकर कमानी गेट तक तथा थाना चौक से पुनः लल्ली चौक तक की गई। इस कार्यवाही में यातायात प्रभारी सर्वेंद्र धुर्वे, गजेंद्र केन सहित यातायात पुलिसकर्मी तथा नगर पालिका से RI परते अखिल राय, मदन लाल विनोदकर तथा नगर पालिका कर्मी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। बैतूल से चीफ ब्यूरो संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला बताइए। वो क्या है, अतिक्रमण की शिकायत सीमेंट रोड पे प्राप्त हो रही थी, समाचार पत्रों में भी आए दिन प्रकाशित हो रहा था। आज शनिवार के दिन यातायात प्रभारी और नगर पालिका अमले द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। कोई चालानी कार्रवाई वगैरह भी हुई? हाँ, चालानी कार्रवाई यातायात विभाग द्वारा की गई है। सामान वगैरह जब्त किया गया? हाँ, सामान जब्त किया गया है, जो दुकानदारों द्वारा समझाइश देने के बाद भी बाहर निकाल लिया गया था, उनका सामान जब्त कर लिया गया। अगर अतिक्रमण फिर किया गया है तो क्या करेगी? फिर भी अभियान चला के सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सीमेंट रोड के अलावा बस स्टैंड वाली रोड है, वो भी अतिक्रमण में? हाँ, कुछ दिनों बाद उस रोड पे भी अतिक्रमण लल्ली चौक से लेके अंबेडकर चौराहा तक के अतिक्रमण मुहिम चलाया जाएगा। और गंज पे भी अतिक्रमण? हाँ, गंज पे भी चलाई जाएगी, ऐसे लगातार मुहिम चलते रहेगी। सीमेंट रोड गली और जो अपना कोतवाली से लेकर लल्ली चौक के बीच में यातायात व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिल रही थी कि लोग बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से दुकान के बाहर सामान रखकर और रोड में वाहन खड़े करके यातायात बाधित कर रहे थे। आज सीमेंट रोड गली में जिन दुकानदारों ने अपने सामान बाहर रखे हुए थे और जो वाहन खड़े हुए थे, उन पर कार्रवाई की गई है। नगर पालिका के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और जिन दुकानदारों ने अपने बोर्ड और कुछ सामान बाहर रखे हुए थे, वो नगर पालिका ने उनको जब्त कर लिया है। कार्रवाई तो लगातार होती है, परंतु और भी अन्य व्यस्तताएं होती है, इस कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अब कोशिश करेंगे हम इसमें साप्ताहिक हम कार्रवाई इसमें करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।